इस अनंत पथ के कितने ही छोड़ छोड़ विश्राम स्थान आए थे हम विकल देखने, बल्कि आए हैं हम विकल देखने इस परिसर का सुंदर भाग। मेरे छात्र मित्रों, मैं सुजन सज्जन और सुंदर जन को संबोधित नहीं कर रहा, क्योंकि यह आज का अवसर छात्रों के लिए है। सर्वप्रथम मुझे यहां विशिष्ट अतिथि के रूप में कहा गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब जब अतिथि शब्द सुनता हूं मुझे एक ही वाक्य याद आता है, अतिथि तुम कब जाओगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 5-7 मिनट समय मुझे दें, मैं अपने मन से यहां से चला जाऊंगा। निस्संदेह जो वाद विवाद का स्तर है, स्तर रहा, श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, लेकिन मेरा यह मानना है कि विवाद का परिणाम एकांगी होता है। ध्यान से सुनेंगे, विवाद का परिणाम एकांगी होता है तथा विवादों से निकला परिणाम, ध्यान रखेंगे, विवाद का परिणाम एकांगी होता है लेकिन विवादों से निकला परिणाम पूर्ण सत्य होता है। यहां मैंने विवादों शब्द इसलिए कहा क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों हैं और इन दोनों से निकलने वाले परिणाम की मैं बात कर रहा। प्राचीन परंपरा रही है, सर ने बताया था कि यहां की जो विवाद की परंपरा है वो कैम्ब्रिज से ये परंपरा ली गई है, लेकिन हमारी परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है विवादों की। और आप सभी लोग शब्द जरूर जानते होंगे, वह शब्द है शास्त्रार्थ, जिनमें कई पक्ष होते थे। उन विवादों में से 4 सत्य निकल कर आते हैं। एक यह होता है कि यही सत्य है, एक यह होता है यह सत्य है, एक होता है यह सत्य नहीं है, और चौथा होता है यह भी सत्य है। जब हम कहते हैं यही सत्य है तो यह पूरी तरह से सारे सत्यों को झुठलाता है और जैन दर्शन में इसे नहीं स्वीकार किया गया है। यह सत्य है, हम आप इसे व्यावहारिक सत्य, व्यावहारिक बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि यह सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है, यही पूर्ण सत्य है, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र की अपेक्षा पिता होता है और एक पिता अपने पिता की अपेक्षा पुत्र होता है। इसीलिए एक पिता को ना तो हम पिता कह सकते हैं ना एक पिता को हम पुत्र कह सकते हैं। मेरा मूल विषय जो कक्ष में कहना चाह रहा था वो अत्यधिक गति जीवन की क्षति से है। ये इनकी प्रतियोगिता के तर्क हैं, निसंदेह अपने अपने तर्क में बड़ी अच्छी बातें इन लोगों ने की, इनके तर्क बड़े ही सुदृढ़ निकल कर आए। एक ने कार्य कारण सिद्धांत की बात की और एक ने व्यावहारिक पक्ष की और कई सारे पक्षों की बात की। लेकिन यदि निर्णय की दृष्टि से देखें, मैं उस तीसरे सत्य की ओर जाऊंगा जहां पर कि अत्यधिक गति जीवन की क्षति की बात कर रहा है। बड़ी सुंदर बात एक किसी वक्ता ने की थी कि इनके अर्थ प्रसंग विशेष में लिए जाने चाहिए, क्योंकि यदि केवल हम कहें कि अत्यधिक गति जीवन की क्षति है तो हम आप सभी जानते हैं इस धराधाम पर, इस जड़ और चेतन में सर्वाधिक गतिशील तत्व क्या है? मन। मन की उस अत्यधिकता को यदि हम रोक दें तो हमारा विचार चल ही नहीं सकता, इसलिए अत्यधिक गति पे भी विराम नहीं है। लेकिन जब उसी अत्यधिक गति की व्याख्या हम गाड़ी चलाने के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो निस्संदेह वहां पर मन हमारे लिए वहां पर ब्रेक का काम करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। इसीलिए पक्ष कहें या विपक्ष कहें, यह निर्णायकों का काम है, किनके तर्क अच्छे रहे, किनके तर्क अच्छे नहीं रहे, किन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुति दी, किन्होंने अच्छी तरह से प्रस्तुति नहीं दी, ये उनका ये निष्कर्ष होगा। लेकिन निस्संदेह में 2-3 सलाह अवश्य ही देना चाहूंगा, और वह सलाह यह है कि मेरे मित्रों, हमें मालूम है कि हमें 3 मिनट का समय दिया गया है जिसमें आपने लगभग 8 या 9 बार किसी ने मित्र शब्द का संबोधन लिया, 12 या 15 बार महोदय शब्द का संबंध आपने प्रयोग किया। आप स्वयं देखिए कि उस 3 मिनट के कितने समय का आपने दुरुपयोग किया। क्या एक बार मित्र कह देने से मित्र प्रसन्न नहीं होते? क्या बार बार मित्र कहने से ही मित्र प्रसन्न होंगे?
या बार बार महोदय कहने से ही महोदय आपकी तरफ देखेंगे। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें हम अपने तर्क पर बल देते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं। शायद यही अत्यधिक गतिशीलता के व्यामोह में ये मित्र और महोदय की व्याख्या निकल कर आई। कुछ और बातें हैं, आप लोगों ने बड़े ही भारी भरकम शब्द सुने, भारी भारी भरकम शब्द चुने। निसंदेह हमें भी अच्छा लगता है भारी भरकम शब्द, बहुत बड़े 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 भारी भरकम शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का क्या लाभ जिस शब्द के उच्चारण में ही हम फिसल जाएं? शब्द है पर्यावरणीय। स्वयं वो वक्त्री महोदय इसका एहसास कर सकते हैं कि उस शब्द को बोलने में उनको कितनी परेशानी हुई होगी। शब्द है अभिभूत। वक्ता महोदय ने अंदाजा लगाया होगा उस अभिभूत बोलने में उनको कितनी परेशानी हुई। शब्द है निरुद्देश्य। आप बोल रहे हैं निरुद्देश्य। शब्द है अत्यधिक। हम बोल रहे हैं अत्याधिक। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कान में खटकती है, ये पॉलिशिंग की अपेक्षा रखती है कि जब हम डिबेट बोलने जाते हैं तो ऐसे शब्दों से को रोका जाए जो हमें बोलने में कठिनाई प्रदान करे। फिर निसंदेह कई सारी और बातें निकल कर आई है। जैसा मुझे बताया गया कि इसमें लगभग डेढ़ या दो घंटे पहले इन लोगों को समय दिया गया था, और इस दिए गए समय में यदि आप लोगों ने इतने सुंदर सुंदर तर्क बनाए हैं तो निसंदेह तार्किक दृष्टि से आप लोग प्रशंसनीय हैं। आप लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि अच्छा दूसरी जो हिंदी बोलने की है, यह भी झलक निकल कर आई कि हिंदी बोलने में कठिनाई हो रही थी। कई सारे ऐसे शब्द लग रहे थे कि हम जबरदस्ती उनको मुंह से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस परिवेश में पढ़ रहे हैं, जिस परिवेश में हमारा अध्ययन हो रहा है, उस शब्द में अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण ही ज्यादा प्रशंसनीय माना जाता है। चूंकि वो हमारी जिह्वा पर शब्द नहीं होते, इसीलिए ऐसे शब्दों के उच्चारण में हमें परेशानी होती है। और इसीलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि आगे जब भी कभी भविष्य में हमें भाषण देने का अवसर मिले, हमें डिबेट करने का अवसर मिले, या जिस किसी भी रूप में हमें अपनी भाषा शैली का उपयोग करने का अवसर मिले, उसमें कठिन व कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। जहां तक लंबे लंबे शब्दों की बात है, अगर आप मैं कहें संस्कृत का, मैं जैसा आपको परिचय मिला होगा, मैं सेंट स्टीफंस कॉलेज में संस्कृत का अध्यापक हूँ और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में मैं संस्कृत का न्यूज रीडर भी हूँ। आप लोग सभी जानते हैं कि संस्कृत जाने ही जाते हैं अपनी लंबी शब्दावली के कारण। आप लोगों ने ब्रेथलेस सुना होगा, अभी आया था सिंगर उनका, संस्कृत में भी ब्रेथलेस है, लेकिन वो आज के लिखे हुए नहीं है, बहुत पहले के लिखे हुए हैं। आप मैं जरा एक लाइन उसका सुनाऊंगा, एक छोटा सा शब्द है, छोटा सा वाक्य है जिसमें तीन शब्द है, आप लोग सुने उसको, और यदि वो चीज अपनी जिह्वा पर उतार ले तो मैं नहीं समझता किसी भी हिंदी व संस्कृत शब्द के उच्चारण में आप लोगों को कठिनाई होगी। अनवरत याद दक्षिणा रक्षित शिष्ट विशिष्ट विद्या संभार भासुर भूसर निकर घन दर्प कंदर्प सौंदर्य सौदर्य हृदय निर्वद्य रूपो, एक शब्द है, भूपो दूसरा शब्द है, बभूव तीसरा शब्द है। और एक छोटा सा श्लोक है जो भी मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, जो केवल एक ही वर्णों का बना हुआ है, उनको भी जरा ध्यान से सुने। ननो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नो नाने ना नुन्न नुन्न नुन। वस्तुतः हम आप सभी कहते हैं कि पतंजलि या आधुनिक युग में बाबा रामदेव ने शरीर के सारे अंगों का योग दे दिया, लेकिन जिह्वा का कोई योग नहीं दिया। जिह्वा के लिए यही एकमात्र योग है कि सुंदर और स्पष्ट उच्चारण के लिए यदि ऐसे बड़े बड़े शब्दों को सहजता से हम उच्चारण में ला पाए तो शायद हमारी जिह्वा भी बहुत ही स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएगी। मैं जज के ऊपर भी दो तीन बातें कह दूं, क्योंकि निर्णय के बाद बहुत स्थिति बिगड़ सी जाती है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि यदि किसी से बदला लेना हो, यदि किसी से बदला लेना हो तो उसको जज बना दो। कभी भी उनको प्रशंसा नहीं मिलती। जो प्रथम आते हैं वे केवल इसलिए प्रशंसा करते हैं कि उनको प्रथम मिला, और जो द्वितीय आते हैं वो जीवन में कभी प्रशंसा नहीं करते, जीवन भर की गालियां देते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जॉब का जो है ये धन्यवाद रहित कार्य है। इस कार्य का कोई भी धन्यवाद नहीं होता, क्योंकि एक ही केवल प्रशंसक होते हैं, सारे के सारे निंदक बन जाते हैं।
तो मैं जज के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति रखते हुए, क्योंकि ये बड़ा ही मैं कई जगह ही अनुभव कर चुका हूँ, रात के 2 बजे तक फोन आते हैं कि सर मेरे बच्चे ने भी तो बहुत अच्छा बोला था, आपने उसे नंबर क्यों नहीं दिया। लेकिन शायद यहाँ का जो स्तर है विवाद का, उस स्तर के अंतर्गत मुझे पूरा का पूरा ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारे 6 के 6 प्रतिस्पर्धियों में कोई ऐसे प्रतिस्पर्धी नहीं होंगे जिनके मुख पर किसी भी प्रकार का मनोमालिन्य होगा, क्योंकि जिस रणक्षेत्र को आपने जीता है और जो अनुभव यहाँ पर आपने अपना प्रस्तुत किया है, वही आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम है। आगे के लिए मैं पुनः पुनः आप लोगों को शुभकामना देता हूं, और जिस किसी भी प्रतिस्पर्धी को पारितोषिक प्राप्त होगा उसके लिए पूर्व ही मैं उन लोगों को बधाई देता हूं। धन्यवाद, आपने बुलाया। मेरे जीवन का यह एक, मेरे जीवन में 2 ही स्वप्न थे, एक कि मैं यहाँ का छात्र बन पाऊँ, जो नहीं बन पाया। दूसरा यह था कि मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लूँ, जहाँ बना और वहाँ अध्यापन कर रहा हूँ। तो मेरे जीवन के 2 सत्य में मैं 50% ही सफलता हासिल कर पाया, लेकिन यह आज मेरा शौक स्वप्न दोनों पूरा हुआ। यहाँ पर आकर के आप छात्रों के साथ मिलने का मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। मेरे छात्र अंतिम समय तक यहाँ थे, यश गांधी, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। यद्यपि मैं यश गांधी का साक्षात शिक्षक नहीं था, लेकिन वो मेरी छाया की तरह छात्र रूप में अपने छात्र जीवन में रहा। और अभी भी मैं जब आ रहा था तो शताब्दी एक्सप्रेस में जब मैं आ रहा था तो उनके फोन, उनके SMS आते रहे कि सर आप इस शिक्षक से वहाँ मिल लीजिएगा, इनसे बात कर लीजिएगा, ये जो हॉस्टल है उस हॉस्टल के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। पूरी सहायता उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में की, और वही मेरे लिए यहाँ पर संबल रहा। तो इसलिए मैं यश गांधी को भी यहाँ से धन्यवाद दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पूर्ण विश्वास है कि आपके इन सुझावों पर हमारे सभी छात्र और हमारे आज के जो प्रतिभागी हैं इस पर अवश्य विचार करेंगे, और भविष्य में ये इससे भी सुंदर वक्तृता अपने अपने समयों पर प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए पुनः धन्यवाद।